लग्न और परिश्रम से वक्त और किस्मत को कैसे पलटा जा सकता है, इसका ताजा उदाहरण है नैनीताल की बेटी डॉली सिंह। कभी स्कूली दिनों में डॉली के पास प्रोग्राम समय पहनने के लिए अच्छी ड्रेसें नहीं होती थी। एक बार स्कूल की पार्टी में वह सिर्फ इसलिए भाग नहीं ले पाई कि उनकी ड्रेस टीचर्स को पसंद नहीं आई। वही डॉली आज विश्व स्तर पर फैशन आइकॉन और युवाओं की फैशन रोल मॉडल बनकर जलवे बिखेर रही हैं। 16 मई से 27 मई तक फ्रांस में चल रहे 76वें अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स फिल्म महोत्सव में डॉली ने रेड कॉर्पेट पर अपने फैशन का जलवा बिखेरा। डॉली ने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की जीनत अमान की पोशाक से प्रेरित ड्रेस पहनी। डॉल जैसी पोशाक में डॉली ने अपने लुक से जबरदस्त तारीफें बटोरी। डॉली इंटरनेट पर राजू की मम्मी, साउथ दिल्ली गर्ल, गुड्डी भाभी, जीनत, श्री बुधवार जैसे रोचक और लोकप्रिय किरदारों के माध्यम से इंटरनेट, सोशल मीडिया और बॉलीवुड में छाई हुई हैं। आपको बता दें कि कौन से फिल्म फेस्टिवल एक वार्षिक कार्यक्रम होता है जो दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं, अभिनेताओं और आलोचकों को एक मंच पर लाता है। कभी नैनीताल में रोजी रोटी के लिए परिवार के साथ मोमबत्ती बनाकर खर्च चलाने वाली डॉली आज देश की प्रमुख और लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर हैं। दिल्ली से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने निफ्ट से फैशन में मास्टर्स की पढ़ाई की है। अपनी प्रतिभा, संघर्ष और लगन के बूते एक सामान्य परिवार से निकली डॉली ने बगैर किसी ट्रेनिंग और गॉडफादर के सहयोग से मात्र 29 वर्ष की आयु में इंटरनेट, सोशल मीडिया और बॉलीवुड में नया मुकाम बना लिया है। राजू की मम्मी नाम का किरदार अपनाकर डॉली अब बड़े बड़े फिल्मी स्टारों का इंटरव्यू लेती हैं। डॉली से अब तक दर्जनों नामी कलाकारों का रोचक अंदाज में इंटरव्यू कर चुकी हैं। डॉली के पिता राजकुमार और माँ राजबाला नैनीताल के मार रोड में अपना बाजार नाम से फैंसी आइटम्स की दुकान चलाते हैं। राजू की मम्मी जैसे कार्यक्रमों से डॉली को इस कदर लोकप्रियता मिली कि नैनीताल आने जाने वाले अनेकों पर्यटक उनके पिता की दुकान तराशते हुए बड़ी संख्या में वहां पहुंच जाते हैं। नैनीताल से निकलकर दुनिया भर में फैशन का जलवा बिखेरने वाली डॉली सिंह का सफर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।